आतिशी का नाम जब से दिल्ली की सीएम के ने अनाउंस हुआ है तब से आतिशी काफी लाइमलाइट में है। आतिशी की कभी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं तो कभी उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आतिशी के माता पिता भी अब इस लाइमलाइट का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, उनके माता पिता पर भी काफी बवाल मचा हुआ है, तो इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि आखिरकार आतिशी के माता पिता अब क्यों सुर्खियां बटोर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। हालांकि ये खबर आते ही आतिशी के परिवार को लेकर बवाल शुरू हो गया। आतिशी के माता पिता पर आतंकियों का समर्थन का आरोप लग रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता कौन है? उनकी माता का नाम तृप्ता वाही है और पिता का नाम विजय सिंह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय सिंह पंजाबी मूल के राजपूत समुदाय से हैं और आतिशी के माता पिता दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो तृप्ता वाही और विजय सिंह दोनों ही वामपंथी झुकाव में हैं, इसलिए उन्होंने आतिशी को मार्लेना उपनाम दिया, यानी कि सरनेम, जो कि मार्क्स और लेनिन से लिया गया है। हालांकि आतिशी ने अपने नाम से मार्लेना शब्द हटा दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वाति ने कहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिसके परिवार ने आतंकवादियों का समर्थन किया है। उन्होंने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी है। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और राजनीतिक साजिशों के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करें। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी के माता पिता पर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के साथ भी संबंध होने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आतिशी मार्लेना के माता पिता सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के साथ भी गहरे संबंध में थे। गिलानी पर आरोप थे कि संसद पे हमले में उनका भी हाथ था। 2016 में उन्होंने अफजल गुरु की याद में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम भी किया था। उस प्रोग्राम में आतिशी मार्लेना के माता पिता स्टेज पर गिलानी के साथ थे। इस प्रोग्राम में नारे लगाए गए थे, एक अफजल मरेगा तो लाखों पैदा होंगे, कश्मीर मांगे आजादी। आतिशी मार्लेना के माता पिता ने अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सैयद गिलानी नाम से लेख भी लिखा है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली की सांसद होने के नाते दिल्ली और देश की आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी दिल्ली आतंकी अफजल प्रेमी हाथ में जाए और मैं चुप बैठ जाऊं, हरगिज नहीं होगा। स्वाति ने आगे लिखा कि मेरे खिलाफ जो मर्जी बोलो, आतंकी अफजल से रिश्ते पर जवाब तो देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।